उसकी कोई हद या सीमा या कोई हिसाब किताब है? इसी प्रकार हमारे अंदर अवगुणों का भंडार बड़ा पड़ा है, अगर हम उनका हिसाब देना तो कभी पार उतारा हो ही नहीं सकता। लेके कबू न छूटिए खिन खिन कुलनहार, बक्स नारा बक्स ले नानक पार उतार। अगर हिसाब कर करके अगर हम अपना नबेड़ा करना चाहे तो कभी नहीं बढ़ सकता। फिर कहते हैं असि खत्ते बहुत कमाऊं दे अंत न पारा वार, कर कृपा हरि बख्शो में वट पापी गुनाकार। हम इतनी गलतियां करते हैं जिनका कोई अंत या हिसाब किताब नहीं है। बस तू कृपा करने वाला है, तू बस एक कृपा करके हमें अनजान समझ के और हमारे पार उतारा करते हैं। कैसे किया? एक दफा की बात है, कुछ प्रेमी मस्ताना जी के पास गए दर्शन करके आते हैं, 5-7 बंदे थे। तो मस्ताना जी कहने लगे आओ भाई कहाँ से आए? कहते जी वहां से। कैसे आए? आपके दर्शन करने के लिए। तो परम पूज्य मस्ताना जी ने क्या फरमाया? बोले दर्शन आप हमारे नहीं करते, दर्शन हम आपके करते हैं। जो आप ख्वाहिश से लेके यहाँ आते हैं ना दर्शन करने के लिए और मालिक की प्राप्ति के लिए और मुक्ति के लिए, यहाँ कोई नहीं आता। ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने पूछे थी, कोई तो आवे दुख का मारे हम पे कृपा कीजे थी, कोई करावे ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजे थी, साथ का कोई गायक नहीं झूठे जगपति दे थी, कह कभी सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजे थी। किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कुछ कमी, किसी को कुछ कमी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख है तो सभी को सुखी है तो संत का दास। तो सुखी वहां पे कोई नहीं जाता, जो जाता है किसी को दुख तकलीफ या कमी है वही संतों के पास जाता है। और इसका तो बहाना होता है दर्शन करने के लिए आए हैं। तो मस्ताना जी ने कहा दर्शन तो आपके हम करते हैं, अगर आपके पर्दे खोले ना तो आप यहाँ आने के लायक नहीं। लेकिन फकीर किसी के पर्दे नहीं खोलता,